This is an ABP Life podcast. At the backdrop of Jaipur Literature Festival, this is ABP Life podcast. I'm Abhi Lahiri, and joining me today in conversation is Ma'am Rakshanda Jaleel. बहुत बहुत शुक्रिया. It's great to have you again on the podcast. शुक्रिया. बालोपार के लिए बहुत बहुत मुबारक. Thank you. बालोपार का मैं बता दूं कि एक मुखड़ा है, एक टुकड़ा है बल्कि गुलजार साहब के एक शेर का. ठीक है. बालोपार का मतलब है ऑल माई फर एंड फेदर्स, मतलब लिटरल ट्रांसलेशन. Okay. तो ये है कि चिड़िया के जितने भी बाल और पर हैं. तो बात वहाँ से आती है और बड़ा चर्चा हुआ कि क्या हमें नॉन इंग्लिश टाइटल को किताब का टाइटल देना चाहिए कि नहीं, वो भी एक बड़ी और महंगी किताब का. सही. क्या बेचने में मुश्किल हो जाएगी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बालोपार है क्या. फिर हमको लगा नहीं, कोई शख्स अगर इतने हजार रुपए खर्च करके ये किताब खरीदना चाहता है, जो गुलजार के काम में इतनी दिलचस्पी रखता है और प्रेम है, और जिसको इतना वाकई प्रेम है गुलजार साहब से और उनकी शायरी से, तो वो जरूर जहन पे थोड़ा सा बोझ देने को तैयार है कि ये बालोपार के क्या मायने हो सकते हैं. तो हमने बहुत सोचा कि फर एंड फेदर्स कर दें, तो फिर हमें लगा नहीं, फर और फेदर्स में वो बात नहीं, वो महंगा वजन नहीं है, वो वजन नहीं है जो बालोपार में है. सही बात. तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि बालों पर आखिर क्या है. क्या है. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं गुलजार साहब के जीवन की, इतनी सारी रचनाएं हैं जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, हाउ इज ही एज अ कैरेक्टर, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट, ही हैज रिटन अबाउट अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ गिवन अ चांस कल आपको बोला जाए कि उनके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, उनकी बायोग्राफी बन रही है, मे बी एक फिल्म बन रही है, एंड यू हैव बीन गिवन द चांस टू राइट द स्टोरी और द स्क्रीन प्ले, How do you see that as a project or as a character? मुझे अगर कोई कहे कि एक या बहुत हुआ तो दो लफ्जों में गुलजार साहब को डिस्क्राइब कीजिए, तो मैं ये बहुत सोच के नहीं आई थी आपका सवाल. दिमाग में जो पहले दो लफ्ज आ रहे हैं मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, विम्सिकल और इंडिविजुअलिस्टिक. विम्सिकल इसलिए कि आपने, हमने सबने सूरज को उगता हुआ देखा है, हमने सूरज को सिंक करते हुए देखा है, लेकिन हमने किसी ने कभी ये मिसाल नहीं दी कि जैसे किसी ने फोड़ के अंडे की जर्दी आसमान पे फैला दी हो. हमने सूरज को एक स्पिलिंग ओवर एग योक की तरह नहीं देखा. हमने कभी ये नहीं कहा है कि दिन को मैंने एक कपड़े को, जैसे अलगनी पे क्लोथ्स लाइन पे कपड़े सुखाए जाते हैं, मैंने ऐसे अपने दिन को डाल दिया है एक क्लोथ्स लाइन पे और वो सूख रहा है. वो बहुत विम्सिकल हैं, वो बहुत बच्चे की तरह दुनिया को देखते हैं. मैं एक दफ़ा उनके साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी और साथ वाली सीट पे बैठी थी, वो खिड़की वाली सीट पे बैठे थे. उन्होंने मुझसे टर्न करके कहा, भेड़े हैं. अब आई वॉज एट अ कम्प्लीट लॉस कि ये भेड़ों का क्या जिक्र है. पहले तो मुझे लगा मैंने गलत सुना है. भेड़ से मैं बता दूं आपके सुनने वालों को कि शीप. हाँ, शीप. शीप. तो मैंने कहा साहब भेड़ें क्या मतलब. उन्होंने कहा आपस में लड़ रही हैं, भेड़े हैं. एंड यू नो ही वॉज रेफरिंग टू द क्लाउड्स. तो जब उन्होंने कहा तो मुझे भी लगा कि वाकई ये तो एक दूसरे में लड़ती हुई भेड़ें का झुंड है जो नीचे बादलों के टुकड़े टुकड़ियां हैं. तो वो दुनिया को एक अलग ही नजर से देखते हैं. क्या एक जो शायर होते हैं, राइटर होते हैं, वो इसीलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो एक उम्र के बाद भी बच्चे रहते हैं. बच्चे भी रहते हैं और उनके लिए इमेज बहुत चीजें कहती है. लफ्ज तो है ही, शायरी अल्फाज के बगैर नहीं हो सकती, शायरी मायने के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन शायरी में एक चीज और की जरूरत है, वो है इमेज. प्रोज में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी बात को फैलाव से कह सकते हैं, बहुत तरह से कह सकते हैं. शायर के पास इमेज एक टूल है, एक लिटरेरी डिवाइस है. और गुलजार साहब की एंड्योरिंग अपील जो मुझे लगती है, जब मैंने 700 से ऊपर उनकी ये ट्रांसलेशन किए हैं जो पिछले 20-30 साल का उनका फिल्मों के बाहर का सफर है. मुझे लगता है उनकी इमेज बहुत पावरफुल है. इमेज स्टैटिक नहीं है, उनकी बदल रही है. रात पश्मीने की और जो शुरू की उनके कलेक्शंस थे उनसे लेके अब तक आते आते उनकी पोएटिक आवाज़, पोएटिक डिक्शन, वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया. होना भी चाहिए. कैसे कोई पोएट जिसने अपना फिल्मी करियर शुरू किया मोहे शाम रंग दे दे मेरा गोरा अंग ले ले, तो वो आजन्म तो वैसे नहीं लिख सकते ना. वो एक फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, वो एक उस एक लहजा था, वो एक टोन थी जो उस जगह के लिए, उस मौजू के लिए, उस फिल्म के लिए थी. अब हम उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सारी शायरी उसी आवाज़ में करें. सही बात. तो जो उनकी अपनी आवाज़ है
वो एक बच्चे की आवाज़ है, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक आवाज़ है, वो एक बहुत विम्सिकल आवाज़ है। ठीक है, आपसे चर्चा में बैठे हैं और उर्दू की बात ना की जाए तो कैसा चलेगा? मेरा एक पर्सनल सवाल है, मुझे उर्दू एज अ लैंग्वेज इन जनरल दिल से बहुत करीब लगती है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं उसको सीखना चाहता हूँ, और ऐसे शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। अब धीरे धीरे बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक रेखता है और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिखा रहे हैं, लेकिन कई बार शायद हम मेरे जैसे और भी कई हैं जो नहीं सीख पाते। आपका क्या सजेशन है, कैसे उर्दू को अपने दिल के और करीब लाया जाए, कैसे सीखा जाए? आपके बच्चे हैं? नहीं, मैं तो अभी शादी नहीं हुई, सॉरी गलत सवाल। अच्छा, मान लीजिए कि आपके 10 साल बाद बच्चे हों और उनको आपको मैथ्स का ट्यूशन कराना जी, आप 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना ट्यूशन के देने को तैयार हैं। जब उर्दू की बात आती है तो, और मैथ सीखियो, आपको व्यापार करना है, रशिया जाना है, आप रशियन सीखते हैं, आपकी बिजनेस चाइना में बहुत है, आपको चाइनीज सीखनी है। पहले जब लोग जापानीज और ये सब जबानें सीखते हैं, तो आप इतनी जहमत करके, इतने पैसे खर्च करके आप चाइनीज, जापानीज, रशियन, जो कि बहुत आसान जबानें नहीं है, उनकी स्क्रिप्ट भी अलग है, आप सीखते हैं। उर्दू के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा आपको अच्छी लगती है उर्दू, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उस पर हम रुक क्यों जाते हैं, हम क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत करके उस जबान को उसकी भाषा से के साथ ही सीख लें। देवनागरी में आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी जो उर्दू की हैं, आपको जॉन एलिया, गालिब, इकबाल, गुलजार साहब, मंटो, सब कुछ आजकल आपको मिल रहा है, लेकिन हर मुमकिन चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, कहीं ना कहीं जैसे कि आप मैथ्स ट्यूशन रख के अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आप ज़रूरी समझते हैं कि उसको अच्छे नंबर लाना है, उसको पास होना है, तो आप ट्यूशन रख देते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्यों नहीं 5,000 रुपये दे के एक ट्यूटर रख लेते हैं जो आपको घर आके सिखा दे, या आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर ले। यू नो देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न इट। ये तो हम अपने आप को कह देते हैं कि बहुत मुश्किल जबान है, मैंने हार मान ली, बट रूह के शायद सबसे करीब जबान है आजकल हम सबको लगता है। आप तमिल बोलने वाले से कहिए कि आप उसके लिए तमिल है, बांग्ला है, तो रूह के करीब किसी एक जबान को कह देना। मेरा एक और गिला है कि मैं बंगाली हूँ, मुझे बांग्ला भी पढ़नी है। बहुत गलत बात है। Which is, you are a bad boy. True. मतलब जो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। वो गिला आज भी है कि बोलना आता है, हाँ। समझना आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता। सीख लीजिए, इट्स नेवर टू लेट। अग्री। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द अदर फिक्शंस और ऑल द अदर वर्क्स यू हैव बीन डूइंग। क्या है अब नए पिटारे से, क्या आने वाला है अगला? इस वक्त मैं एक कलेक्शन पे काम कर रही हूँ, उसका नाम है, मैं देखिए सिर्फ ट्रांसलेशंस नहीं करती हूँ, आई एम अ लिटरेरी हिस्टोरियन, आई एम अ राइटर, क्रिटिक, व्हाटएवर जो कहना चाहे। नहीं नहीं, आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, समाज पे टिप्पणी करती रहती हूँ अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है जी। इस समय जो मैं जिस कलेक्शन पे काम कर रही हूँ और जो अगले 2-1 महीने में आने वाला है, उसका नाम है लव इन द टाइम ऑफ हेट थ्रू द मिरर ऑफ उर्दू। मैं उर्दू शायरी का सहारा लेते हुए अपने इर्द गिर्द के समाज को देख रही हूँ, और उसमें एसेज हैं, 3-4 पेजेस के एसेज, कुल मिला के 80 के करीब एसेज हैं। okay. तो ये एक बड़ी किताब होगी, और इसमें हर जगह लव इन द टाइम ऑफ हेट इसलिए नाम है कि एक तो कुछ लोगों को उर्दू से ही एतराज़ है, ये मानना कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, जो बढ़ के उठा ले उर्दू उसकी है, जो बढ़ के कहे कि मुझे उर्दू से इश्क है, उर्दू उसकी है, पहली बात ये, तो ये मुसलमानों की ज़बान बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं उर्दू शायरी के ज़रिए मैं एक मिरर में देखती हूँ जहाँ मुझे उर्दू शायरी मुझे मदद करती है दुनिया को समझने में, दुनिया को बेहतर इंटरप्रेट करने में। तो लव इन द टाइम ऑफ हेट इसलिए भी नाम है कि बड़े सारे लांछन के तौर पर आजकल वर्ड्स उछाले जा रहे हैं, लव जिहाद वगैरह वगैरह, तो हम इन चीज़ों को भी एड्रेस कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स को, इलेक्शंस को, नॉर्मलाइजिंग ऑफ हेट को, टॉक्सिसिटी को, जो भी हमारे समाज के इस वक्त झोल हैं, अनइवननेस हैं, हम उन सब को इस किताब के ज़रिए देख रहे हैं, लेकिन उर्दू शायरी का सहारा लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या अगर मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, वुड यू माइंड शेयरिंग लाइक अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, अ पीस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर? ऑफ हैंड तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि वो प्रोज एसेज अभी चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट, कैसे पहली दफ़ा एक एडवर्टाइजमेंट हटाया गया, मैं नाम नहीं लेती हूँ कौन सा एडवर्टाइजमेंट, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हटाया गया,
मॉडल ने हरे कपड़े पहने हुए थे तो ये लांछन लगाया गया कि ये तो एब्रामाइजेशन है, या पहला टेक्स्ट किसी सिलेबस से ड्रॉप किया गया, किसी गार्डन का नाम बदला गया, किसी सड़क का नाम बदला गया, किसी इमारत का नाम बदला गया। तो एक सॉरिटीज प्रिंसिपल है कि एक हीप है जिसमें बहुत से, इट्स अ हीप ऑफ ग्रेन्स ऑफ डस्ट। ओके, एक आपने कण निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हीप जो था वो एक नॉन हीप बन गया और किसी को पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे कब चला। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म भी कहते हैं इसको। तो मुझे लगता है जिस दौर में हम रह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, हमको ये याद रखना मुश्किल ही हो गया है कि वो उस हीप में से पहला कण कब निकाला गया था और एक कण के निकलने से भी क्या वो हीप धीरे 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 छोटा होता गया और हमारे लिविंग मेमोरी में वो चेंज आया। हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने जैसे बोला कि समाज में हमेशा से जैसे क्रांतियां हुई हैं, बस क्रांतिकारी रहे हैं और लिटरेचर स्पेशली, बिकॉज लिटरेचर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द टाइम वी लिव इन। डू यू सी अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस डार्क क्लाउड कि कभी शायद या मे बी नियर फ्यूचर में या कुछ टाइम बाद एक आपको चेंज दिखता है जिस रेवोल्यूशन के लिए आप देखिए हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन और सिविलाइजेशंस और कंट्रीज और नेशंस भी ऐसे या मिलते जुलते या इससे भी बदतर हालात से गुजर चुके हैं। हमारे पास जो एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है वो जर्मनी का एग्जांपल है जिसने फासिस्ट फोर्सेस से भी लड़ा, पूरे दुनिया ने उंगली उठाई जर्मनी पे और कहा कि यू वर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल। जर्मन लोगों को भी शर्मिंदा किया गया, उनको कहा गया कि वाई वॉज द मेजॉरिटी साइलेंट। हमारे लिए हिंदुस्तान में, भारत में आज बहुत से सबक हैं और जगहों में जो हुआ, ख़ास तौर से जर्मनी में जो हुआ। तो जब हम साइलेंस ऑफ द मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक सबक है, एक बहुत क्लियर पुश्ट एक एग्जाम्पल है कि ये हो चुका है और लोगों ने बहुत बड़ा खमियाजा दिया था, बहुत बड़ी प्राइस दी थी उस खामोशी की। तो इनकलाब की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं मालूम वो किस शक्ल में आएगा, वो कितना सुस्त होगा, कितना तेज़ होगा, कितना सडन होगा, कितना ऑब्वियस होगा, मैं नहीं कह सकती। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी अपनी ज़िंदगी में वो चेंज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ज़िंदगी बड़ी नीरस होगी अगर हम बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें और हम कहें कि नहीं अब तो इट्स जस्ट डार्क डेज अहेड। आपकी बात 10 लोगों में से 2 लोगों के भी कान में जा रही है, 1 इंसान के भी कान में जा रही है और जो ये बात सुन रहे हैं, यकीनन आपको हेट मेल भी आएगा, टॉक्सिक कमेंट्स भी आएंगे, वो तो अब मैं मान के चलती हूँ ज़रूर आएंगे। बहुत से लोग मेरी बुराई करेंगे, आपकी भी करेंगे कि क्यों आपने ऐसी महिला को बुलाया जिनके ऐसे व्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनमें से 1 या 2 लोग भी ऐसे हैं जिनका कहीं वो सहमत है जो मैं कह रही हूँ, तो दिस इज़ अ उम्मीद की किरण। इसका मतलब जो आप बात, जो आपका मुझसे सवाल है कि वो कोई इज देयर अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये 1-2 लोग भी सिल्वर लाइनिंग हैं। क्या बात है। ऑन दैट नोट आई गेस आपको भी एंजॉय करने का पूरा मौका मिलना चाहिए और हमें भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।